हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नॉलेज वाली चीज सिखाने वाले हैं। ये हमारा इंजन है भाई, ये पुराना इंजन है लेकिन ये डेमो के लिए हमने लिया है। तो दोस्तों, जो भी भाई वीडियो देख रहा है, जो भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, एक बार तो भाई वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर भाई आप सभी के लिए जेन्युइन कंटेंट होता है, कोई भी हम फेक कंटेंट नहीं लेकर आते। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक ये है कि काफी कमेंट रहती है कि हम कैसे पता करें कि हमारी नोजल सही से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, और नोजल कैसे काम करती है, और गाड़ी को मतलब इंजन को कैसे स्टार्ट करती है। सेम इंजन होता है भाई, BS3 BS2 BS4 इंजन में थोड़ा चेंज होता है, लेकिन नोजल का वर्क सेम होता है। ये एक BS3 इंजन है। तो भाई पंप क्यों खुला है, डिली करा है। तो दोस्तों, नोजल यहाँ लगी होती है और पंप हमारा यहाँ पर होता है। पहले टंकी से डीजल जाएगा पंप के अंदर और पंप देगा सप्लाई नोजल को। नोजल पिस्टन के ऊपर ऐसे फुहारा लगाते हैं, वो दिखाते हैं वो प्रेशर कितना होना चाहिए कि नोजल का प्रेशर कितना होना चाहिए जो हमारी गाड़ी को स्टार्ट करेगा। अगर नोजल प्रेशर नहीं देगी, पंप से ऑयल आ गया पूरा, पंप से मतलब डीजल आ गया पूरा, नोजल ने पास नहीं किया तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। आज की वीडियो में एक जबरदस्त सॉल्यूशन करने जा रहे हैं भाई आप सभी का कि नोजल का प्रेशर कितना होना चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, और नोजल को हम कैसे साफ करें। घर बैठे भी आप इस तरीके से नोजल को साफ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आप भाई कहीं से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि ड्राइवर भाइयों की ऑटो लाइन में जो भी भाई ऑटो चलाते हैं उन सभी की हेल्प हो सके। तो भाई यहाँ से हमने ठेपी खोल दी है, पाइप थोड़ी लूज कर ली है और अब नोजल को निकालेंगे भाई। ये पुराना इंजन है, डेमो के लिए हमने इस इंजन को आपको दिखा रहे हैं। तो भाई देखो जाम है भैया, कोशिश करेंगे जल्दी से निकाला इसको। और दोस्तों, जो भी भाई कमेंट करता है, कमेंट में अपनी सिटी जरूर लिखा करो, कौन सी सिटी से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कहां से बोल रहे हो आप। तो भाई देखो, नोजल हमने निकाल दिया, थोड़ा सा कपड़ा ले रहे छोटू एक बार। ये पुराना इंजन है भाई, डेमो के लिए हमने लिया इसको। अब वो पाइप लगा देंगे हम पंप के अंदर, आपको नोजल का प्रेशर दिखाएंगे कि नोजल कैसे प्रेशर देती है। और मतलब पहले तो पंप भी यहीं पे बता देंगे कि आपका पंप सही है नहीं है। ठीक है भाई, कपड़े थोड़ा सा साफ कर ले मिस्त्री जी के बार इसको। तो देखो भाई, यहां से पाइप फिट कर देंगे। इंजन देखने में बहुत पुराना लग रहा है भाई, लेकिन जो चीज आपको हम सिखाएंगे, BS2 BS3 BS4 इन सभी गाड़ियों में चीज सेम है भाई। नोजल का प्रेशर सभी में सेम होता है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए। ये इंजन थोड़ा सा पुरानी अवस्था में, इसको स्टार्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा मोबिल डाल लिया ताकि प्रेशर बन जाए। रख दे यहाँ पे। और मिस्त्री जी तो एक बार इसके अंदर हम प्रेशर बना लेते हैं, और प्रेशर बना के आपको दिखाइए भाई, थोड़ा सा घुमाइए। प्रेशर बना एक बार, टॉपर टूपर सेट करें। तो भाई आपके लिए पूरा डेमो दिखाएंगे हम, एक नोजल इसके अंदर फिट कर देंगे। देखो, अगर हम नोजल फिट नहीं करेंगे तो देखो ऐसे चलेगा भाई, क्योंकि यहाँ से प्रेशर घट जाता है। इसके लिए हमें नोजल को फिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोजल लगा देंगे हम, यहाँ पे फिट हो जाएगा, प्रेशर ऐसे कैसे रहेगा गाड़ी के अंदर। और फिर हम इस नोजल को दिखाएंगे आपको कि कितना प्रेशर मारती है, और कितने प्रेशर से, कितने डीजल का प्रेशर होना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो भी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करें, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने जा रही है आपके लिए। ठोक दे बार इसने थोड़ा सा, देखो नोजल डालते ही प्रेशर इसके अंदर बनना स्टार्ट हो चुका है भाई। और ठेपी लगा देंगे इसके अंदर हम, ये ताकि आप सभी को भाई पूरी नॉलेज देंगे इस चीज के बारे में कि आप घर बैठे भी अपने ऑटो के इंजन की नोजल का प्रेशर चेक कर सकते हैं। क्योंकि काफी गाड़ियों में अगर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहती है, जैसे व्हाइट स्मोक करने लग जाती है ना, कच्चा कच्चा धुआं, खेत जलन वाला धुआं आता है, वो नोजल की वजह से आता है भाई। आपकी गाड़ी की नोजल अगर पूरा डीजल नहीं सप्लाई करेगी,
डीजल वेस्ट जाएगा, सुराग वो सुराग रुक जाएंगे, मतलब डीजल वेस्ट जाएगा तो क्या होगा, वाइट धुआं देने लग जाएगी, आंखों में रड़कने लग जाएगा वो धुआं, उसके लिए आपको नोजल साफ करवानी पड़ेगी। चलो भाई लगाओ इसको, हाँ इसके अंदर से निकल गया, थोड़ा सा डाल इसके अंदर। तो भाई यहां पर आपने फोकस करना है, यहां पर आपने फोकस करना, अभी इसके अंदर कितना प्रेशर आता है देखो भाई, आया थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा, थोड़ा सा प्रेशर कटेगा, पुराना भी तो हो गया। देखो भाई देखो, देखा होगा आपने एक बार, चल भाई इस चक्कर में आओ, चल भाई देखो भाई, मतलब पूरा बफारा मारा, ये कोई एक सेकंड का ये चक्कर होता है, आपको समझना पड़ेगा। टाइट करे, खोल कर दिखावे, थोड़ा सा थोड़ा सा डीजल डालिए इसके अंदर, डाल दिया इसके अंदर, ये डाल थोड़ा सा और डाल दे, हाँ पंप के अंदर पूरा डीजल हमने डाल दिया। अगर आपको ये तरीका सीखना है तो भाई इसके ऊपर एक स्पेशल और वीडियो बना देंगे, वो पूरी नोजल देखो भाई इतना प्रेशर होना चाहिए, फुहारा मारेगी पूरा नोजल, तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। एक बार और लगा, चलो मैं पकड़ लिया इंजन, फोकस कर दे, इसमें पूरा फोकस है, रुक गया सर दोबारा ले। देखो भाई इतना प्रेशर होना चाहिए नोजल का, अगर इतना प्रेशर होता है तो आपकी गाड़ी जो आंखों में जलन वाला धुआं होता है और वाइट धुआं देने लग जाती है वो इस नोजल की वजह से देगी भाई। आप इसको साफ करवा ले अच्छे तरीके से, ग्राइंड करवा के इसके सारे सुराख खुलवा ले, तो आपकी गाड़ी अगर जलने वाला धुआं देती है, आंखें जलन वाला, और ये सभी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इसकी नोजल की सफाई कैसे होती है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें नोजल की सफाई कैसे की जाती है, पंप की सफाई कैसे की जाती है, उसके लिए अगर हम वीडियो बना देंगे। तो भाई ये एक पुराना इंजन था जिसके हमने डेमो लिया है और आपसे भी वही तरीका सिखाया भाई, तो दोस्तों आशा करते हैं तरीका आपको पसंद आया होगा। अब इसको हम फिट कर देंगे भाई इसे, देखो भाई ऐसे हम इसको फिट कर देंगे ऐसे कैसे, और जब भी हमें इसको साफ करवाते हैं या खुलवाते हैं या किसी कारणवश हम नोजल खोलते हैं, ये इसके अंदर भाई पूरी बैठनी चाहिए, ऊपर से प्लेट लगा के नट को पूरा टाइट करना, 11 नंबर के नोजल गैस्टेड होते हैं, पूरे के पूरे टाइट होने चाहिए भाई, मतलब वैसे तो 10 के होते लेकिन ओरिजिनल जो नट बोला जाता है इनको 11 नंबर के नट, डेबरी लंबी वाली 11 नंबर में ही आ जाते हैं, लंबी डेबरी लगती है इसके अंदर, ओरिजिनल नट होने चाहिए स्टडी है काफी, मतलब और साइज के भी हो जाते हैं। देखो ऐसे प्लेट लगा के इनको टाइट कर देना ताकि नोजल को नीचे तक घुसा दे इसके अंदर, फिट हो जाए। अगर नोजल आपकी लूज होगी तो भी आपकी गाड़ी ऐसी प्रॉब्लम करेगी, तो भी इसको हम फिट करते हैं। इसको भी आपने पूरा टाइट करना होता है, मिस्त्री जितना ही टाइट होगा अंदर तक टाइट होगा, और टाइट होगा इसके अंदर पूरा ठुकेगा भाई ये, और पूरा टाइट होगा। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई।